दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में शनिवार को हार गई है। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। इंग्लैंड ने 4 विकेट से मुकाबले को जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। इंग्लैंड की कप्तानी हीथर नाइट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया ने 16.2 ओवर में 80 रन पर ऑल आउट हो गई। मेहमान टीम ने 11.2 ओवर में 82 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया है। मैं आपको यहां पर बता दूं कि भारत के तरफ से कोई भी बल्लेबाज यहां पर नहीं चले। शेफाली वर्मा मात्र यहां पर देखिए 2 बॉल में 0 रन है। एस मांदना यहां पर 9 बॉल में 10 रन बनाए। उसके बाद 33 बॉल में यहां पर 30 रन जो है जो रोड्रिग्स यही भी 230 रन है। उसके बाद देखिए 7 बॉल में 9 रन एच कौर है। उसके बाद जैसे 2 बॉल में 0 रन डी शर्मा। उसके बाद दोस्तों आर घोष जो है 5 बॉल में 4 रन। उसके बाद 13 बॉल में 6 रन पी वस्त्रकार। उसके बाद दोस्तों 6 बॉल में 4 रन है एस पाटुल। उसके बाद दोस्तों 10 बॉल में 2 रन टी साधु। उसके बाद 9 बॉल में 8 रन एस ईसाकू। उसके बाद दोस्तों 2 बॉल में 2 रन आर सिंह। दोस्तों यहीं पर दोस्तों देख सकते हैं कितना खराब दोस्तों परफॉर्मेंस रहा। इसी की वजह से दोस्तों यहां पर टीम इंडिया जो है यहां पर हार गया है। तो दोस्तों इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा।